यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? और आप सभी लोग देख रहे हैं आपको अपना आरिश खान। तो कैसे हैं भाई लोग, आप सभी लोग? एंड आज के इस वीडियो में भाई, तुम्हारा भाई ना एक अलग चीज दिखाने वाला है तुम्हें, नेक्स्ट लेवल। और ये कोई मॉडिंग नहीं है, ये सिर्फ GTA 5 का एक पार्ट है, ठीक है? आज मैं एक जादुई पत्ती खाने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं एक जादुई पत्ती खाऊंगा और उसे खाकर आई डोंट नो कि क्या होने वाला है। वही आप सभी लोगों को भी देखना है कि वो पत्ती खाकर आज मुझे होगा क्या, ठीक है? बिल्कुल, मैं तो अपने घर से बिल्कुल नॉर्मल निकलने वाला हूँ, अभी कपड़े वपड़े चेंज करके। आउटफिट तेरी मुटियारे, आउटफिट तेरी मुटियारे। चलो, और आई डोंट नो कि उस पत्ती को खाकर दोस्तों क्या होने वाला है, मेरे को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। और अभी वो वहीं जाकर ही पता चलेगा जो भी कुछ होगा। और मैं जा रहा हूँ अपनी बुलेट पर वहाँ, क्योंकि वो हाइकिंग पॉइंट है ना दोस्तों, तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ नहीं, मुझे जाना है यहाँ। यहाँ मिलती है वो जादुई पत्ती, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। ठीक है, चलिए तो चलिए चलते हैं। बुलेट काफ़ी अच्छी है, मज़ा आता है भाई बुलेट चलाने में। ऐसी बात नहीं है कि आता ही ना हो, बहुत अच्छी चलती है, मज़ा आता है। गिर गिर के चलती है, गिर गिर के भागती है, टॉर्क भी बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब अपनी बुलेट जो है ऊपर जाती है, कभी हार नहीं मानती। ये बात मेरे को इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों, हार नहीं मानती है यार। प्रॉपर्टी मैं सोचा था लेने की, देखो एम्प्टी वाइनवुड के लिए सीधा जाना है तो हम एम्प्टी वाइनवुड ही जाएंगे, ठीक है? अगर आपको रास्ता ना पता तो आप इस तरीके से बोर्ड्स वगैरह भी देख सकते हैं और अपने व्हीकल्स को अच्छे तरीके से ओवरटेक कीजिए। जब भी मैं रेस देके छोड़ूंगा ना, बाइक बैकफायर मारेगी। देखो मार रही है ना, बैकफायर मारती है। फिर यहाँ से गार्डन वैली के लिए हमें सीधे जाना पड़ेगा, ये उधर ही जाता है रास्ता। इस बाइक का इंजन बहुत बड़ा है दोस्तों, दो सिलेंडर वाला इंजन है, उसके बावजूद भी हाँ बेसिकली इतना भागती नहीं है, नॉर्मली चलती है। देखो ये जो क्रूज़र बाइक्स होती हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग के क्रूज़र बाइक्स हैं, बुलेट वगैरह जो हैं तो रॉयल इनफील्ड जैसी होती हैं। वो पत्ता यहाँ तो नहीं मिलता है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेट मी चेक, हमें देखना चाहिए कि ये लोग दोस्तों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हेलो सर, ये गांव के लोग हैं ऐसे ही, और इनके साथ एक फ़ोटो क्लिक कर लूँ क्या? देखता हूँ करके। हेलो सर, ओ हो क्या बात है, एकदम भयंकर फोटो ली है। चलो हाँ, वैसे मज़ा आया दोस्तों तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर थोड़ी बातें चीतें इंजॉय कर रहे हैं इन लोगों ने। नीचे नहर वहर है मेरे ख्याल से, हाँ थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेता हूँ, पैर गीले कर लेता हूँ। लेकिन अरे पानी यहाँ कहाँ से रहा है, बहुत ठंडा पानी है दोस्तों, वैसे तो ऊपर से ही आ रहा होगा। हल्की सी आज गर्मी भी है यार दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा चला जाता हूँ नीचे, वरना मेरा क्या काम था वहाँ नीचे जाने का। इतनी घास है, झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, बस क्या बताऊँ मैं तुम्हें। वो तो बस मैं चला गया था, वरना मैं नहीं जाता भैया जी, अपन ना जावे कभी भी, कभी तुम सोच रहे होंगे। चलो हम अपना सफ़र जारी रखते हैं, हमें अपना सफ़र ख़त्म नहीं करना है, चलते रहो। अब अपना व्हीकल भाग रहा है थोड़ा सा। आउटफिट टेरी मुट्टे आ रहे, जादुई पत्ती खानी है दोस्तों। स्पीड लिमिट 35 बताई जाती है, पर लोग पता कितनी भगाते हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भगाते हैं लोग बाग यहाँ गाड़ियाँ। और यहाँ पर भी बाइक पे जाने मज़ा आता है। अरे आराम से आराम से, तुम तो बिल्कुल ही बीच में ही घुसेड़ रहे हो इसे, बढ़िया
मजा आ रहा है दोस्तों गाड़ी चलाने में तो भयंकर। अब बस हम पहुंचने वाले हैं, वो रास्ता ज्यादा दूर नहीं रह गया, हम उल्टे रास्ते से आए चल के। व्हीकल काफी सही चल रहा है, ऐसी कोई परेशानी तो अब तक नहीं आई है कि गाड़ी डमाडोल हो रही है। डमाडोल डमाडोल डमाडोल। डमाडोल वाला मामला नहीं हो रहा है। आई एम कॉलिंग द कॉप्स। यार ये बस कॉप्स को ही तो फोन करता है हमेशा, हल्के से अगर किसी गाड़ी टच हो जाए ना एकदम वो कॉप्स को फोन करता है। मेरे भाई यहाँ पीटते नहीं है, रुक के सीधा पुलिस वालों को फोन किया जाता है। अरे शिट, ये अपनी बुलेट भी ऐसी हो रही है भाई, चढ़ नहीं रही है। इसे क्रूजर को टॉर्क का तो बादशाह कहा जाता है, पर टॉर्क हाँ तीसरे गियर में भी स्पीड कमी हो रही है, बढ़ तो नहीं रही, सीधा पहले में आ गई। अब मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता भाई, फालतू वरना मेरे सिर हो जाएंगे। चलो आई डोंट नो, जादुई पत्ती खाकर होने क्या वाला है। चलो यहाँ पर एक आवाज आती है और ये है वो जादुई पत्ती। ये है वो जादुई पत्ती दोस्तों, मैं आपको ये पत्ती दिखा दूँ, जादुई पत्ती कैसी है दिखने में। इसको खाकर इंसान का रूप चेंज हो जाता है, मैं आपको दिखाऊँ एक बार दूर से। इस पत्ती को खाकर समझ लो, ये पत्ती खाने वाला हूँ मैं। चलो 3 2 1 ओके, तो मैंने खा ली ये पत्ती। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जादुई पत्ती खा ली। मैं एक पिग बन गया दोस्तों खाते ही। And I ain't fucking laughing this time. Oh fuck my god. This sucks, man. For real? Seriously. I mean, this shit. Oh my god. Oh my god. Oh my god. मैं एक पिक कैसे बन सकता हूँ वैसे यार? कलो एक पिक बन गया। जादुई पत्ती खाने से। ओह माय गॉड, अगर हम एक पार्टिकुलर टाइम पर खा लेते हैं इस पत्ती को तो हम जानवर बन जाते हैं। ओह माय गॉड, ये तो इच्छाधारी वो है, इच्छाधारी पत्ती। ओह माय गॉड, हमें ठीक कैसे होऊंगा यार वैसे, हमें ठीक कैसे होऊंगा। चलो लगता है शायद अगर मैं यहाँ से भागू या मर जाऊँ तो मैं ठीक हो सकता हूँ। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, मुझे लगता है मुझे मरना होगा दोस्तों, अगर मैं मर जाऊँ तो मैं ठीक हो सकता हूँ शायद, आई डोंट नो एग्जैक्टली, देखा जाएगा जो भी होगा। पर एक जानवर बन जाना इट्स नॉट अ गुड थिंग ना, वो पत्ती खा के मुझे लगा था कि कुछ और ही होगा। अब मैं बाइक चला सकता हूँ क्या? नहीं, मैं बाइक भी नहीं चला सकता हूँ। इसको अगर मैं ऊपर से कहीं से गिरा दूं
इसको ऊपर से गिराता हूँ कहीं से। नहीं, हाँ, ओ माय गॉड, ये रखा लो, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, कुछ नहीं हुआ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल ही पिगी बन चुका था, अपने आप को ही बन के सोच रहा था। तो ये जादुई पत्ती का कमाल दोस्तों, आपको कैसा लगा? आप इस जादुई पत्ती के बारे में क्या समझना चाहते हैं और आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। मेरे को तो बहुत मजा आया, आपको कितना अच्छा लगा एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।